रहने वाली है बेसिकली। अगर मैं आपको फ्रंट से एक बार दिखा दूँ तो ऐसा सा लुक फ्रंट में रहने वाला है। ऐसी देखो ग्रिल्स मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हैंडलेट वॉशर मिल रहा है, उसके बाद ऐसी पूरी ग्रिल मिलती है, ठीक है। फाइव पार्टीशन यहाँ पे आपको ऐसा आपको जो हेडलैम्प मिल जाता है, और ये जो है फ्रंट की लुक रहने वाली है इसकी। और आपको नॉर्मल बेसिक सा मिल जाता है। टायर साइज की अगर बात करें ऐसे आपको टायर मिलता है, और रियर साइड में एक बार आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको जो है फ्रंट साइड दिखा दूंगा, ठीक है। तो रियर साइड में अगर मैं बैठे तो भाई स्पेस ना के बराबर है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पावर विंडोज का ऐसा स्विच मिलता है, इस टाइप का पावर विंडो का स्विच में लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। और भाई सिर्फ चार बंदे इसमें जा सकते हैं, पांच बंदे भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और देखो यहाँ पे मतलब एक बंदा बैठने के बाद कोई जगह बची नहीं है, सिर्फ एक बंदा और बैठ सकता है। और अगर दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे क्या है, दो कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और हेड स्पेस मतलब ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा है नहीं है। और ऐसे आपको पीछे से जो है लुक मिलने वाली है, इसमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है बेसिक से, ठीक है। दो हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, और ऐसा आपको मिलता है ऑप्शन। यहाँ पे आपको पावर विंडोज कुछ जी पे मिलेंगे, ठीक है गाइस। और अगर हम फ्रंट साइड पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं, उसके उससे पहले मैं आपको जो है पीछे के कंट्रोल्स दिखा दूंगा। फ्रंट में आपको क्या है, डोर लॉक अनलॉक करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, और पूरी जो रूफ है वो ब्लैक कलर की रहने वाली है इस गाड़ी की। एक बार पीछे का दिखा देते हैं, और रियर में अगर बात करें तो यहाँ पे आप बूट स्पेस में आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसा तो आपको बूट स्पेस मिलने वाला है बेसिकली, थोड़ा ही बूट स्पेस है, कोई ज़्यादा स्पेस है नहीं। जितना एक्सपेक्टेड था उतना कुछ जगह वगैरह इसमें आई नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है इसका जो है वाइपर मिल जाएगा, यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया, एंटीनेंस का जो है यहाँ पे मिलता है, सेंटर में नहीं मिलता है। और ऐसा तो आपको पीछे जो वाला जो व्हील है ना बहुत अच्छा लग रहा है। जिमनी की वायरिंग मिलती है, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, ठीक है। वॉशर वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और एक बार यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आपको फेंडर भी इंडिकेटर मिल जाएगा। और एक बार मैं आपको ड्राइवर साइड दिखा देता हूँ कितनी इसमें आपको स्पेसिंग मिल रही है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे स्पेसिंग दिखाऊँ जो है अंदर में कैसी रहती है। तो अंदर की अगर हम एक बार बात कर ले तो अंदर ऐसा सा आपको जो है पूरा कंसोल मिलने वाला है इसका, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, मतलब जगह मुझे भाई उतनी कुछ खास लगी नहीं। मैं रियलिटी बताऊँ तो ऑटोमेटिक में ये गाड़ी होने वाली है। यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, अट्रैक्शन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसी ऑन करने का ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। पूरी जो है यहाँ पे डायल्स मिल जाते हैं, और इस टाइप के एसी वेंट्स रहते हैं। यहाँ पे वो टच स्क्रीन मिलेगी, मैनुअल IRVM आपको मिलता है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिलता है टू हाई, फोर हाई एंड फोर लो का। 4x4 व्हील ड्राइव में ये गाड़ी रहने वाली है। यहाँ पे आपको विंडोज़ लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है, और यहीं पे आपको ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाती है। इस टाइप का इस गाड़ी में हैंड ब्रेक मिलेगा, और यहाँ पे आपको चार्जर भी मिल जाता है। ऐसे से आपको एक डेड पैंडल मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको जो है ब्रेक और क्लच के ऑप्शन मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक्सेलेटर के लिए जाना है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है, और इतना कुछ आपको जो है इसका ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। ये हैंडल आपको याद जिप्सी की जो पहले आती थी उसमें भी आपको ऐसे मिलता था, और मतलब पूरा जो आपके बोनेट है पूरा आपको यहाँ से दिखाई देता है, और पूरी अपीलिंग लुक यहाँ पे आती है। यहाँ पे आपको इस टाइप के एसी वेंट मिलते हैं, ठीक है। 180 तक की मार्किंग रहने वाली है, 180 तक की मार्किंग रहने वाली है। बीच सेंटर में आपको छोटे से MID मिल जाती है, और यहाँ पे आपको मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। आपका इस यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे बटन का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये सारा चीज़ आपको इस गाड़ी में दिया गया। एक बार आपको आउटलुक दिखा देता हूँ गाड़ी का बाहर से, ठीक है। तो मतलब स्पेसिंग वाइज इतनी कोई ज़्यादा बिल्कुल स्पेस इस गाड़ी में लगा नहीं, ठीक है। और हेडरूम वगैरह मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, रियर सीट दिखा दी मैंने, हेडरूम आपको लगभग इतना कुछ मिल जाएगा इसमें, हेडरूम वाइज ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है ORVM पे कुछ भी इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलते हैं। और पीछे से अगर आप देखें इसकी ऐसी सी फुल लुक आने वाली है गाड़ी की, ठीक है। एक बार इसका ठीक है, तो ये इसकी जो है मेन फ्रंट ग्रिल रहने वाली है। पूरा यहाँ पे जो है क्रोम का यूज़ किया गया है, और जो है ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको ऐसा सा बोनट मिल जाता है, और ये जो है ये डैम्स आपको रहने वाले 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में ये गाड़ी आने वाली है। सो एक बार इसका हुड मैंने ओपन कर दिया है, इंजन में आपको एक बार दिखा देता हूँ कितना कुछ है इस गाड़ी में। सो ये आपको 1.5 लीटर का आपको इस गाड़ी में इंजन मिल जाएगा, कोई भी रैंपिंग नहीं मिलती है। सो ये 1.5 लीटर आपको इंजन इसमें मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। पावर फिगर्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सो ये पूरा जो है आपका इंजन भी है इसका, ठीक है। यहाँ पे वॉशर के लिए बहुत बड़ी बॉटल दी गई है, और यहाँ पे आपको इस टाइप की बैटरी मिल जाती है। सो अभी आप देखें तो ये पूरा इसका जो है लुक रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आपको बेसिकली हेडलैम्प के नीचे आपको वॉशर भी मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर ऑप्शन है और देखने के लिए मेरे को यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका छोटा सा बोल आपको जो है इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स भी मिल जाता है। फॉग लैंप्स के बाद यहाँ पे आपको ऐसे से एयर डैम्प्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके टायर प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें तो आपको इसके अंदर जो टायर प्रोफाइल दी गई है वो लगभग पूरा अलॉय व्हील मिल जाता है क्रोम कलर में। 195/80 और R15 सेक्शन का आपको इसके अंदर टायर मिलने वाला है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है फेंडर के ऊपर। ऑल जो आपकी रूफ रहने वाली है ब्लैक रहने वाली है,
टेरो ब्लैक में आपको रूफ मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट में मतलब टू डोर में रहती है, यहाँ पे जो गाड़ी है फोर डोर में फाइव डोर में लॉन्च हुई है। ठीक है गैस, तो मैं एक बार आपको पीछे का दिखा देता हूँ। तो ये है जो पीछे का पैनल रहने वाला है बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा, और इतनी कुछ आपको जो है स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो है इसकी सीट को आप ऊपर नीचे भी यहाँ से इजीली कर पाएंगे। ठीक है ये देखो, और यहाँ पे आपको जो है बूट के लैंप भी मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको एक चार्जर भी मिलता है। ये बेसिकली आप इसमें अपना इन्वर्टर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टर वगैरह यूज़ भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। एक बार रियर की मैं आपको पूरी लुक दिखा देता हूँ, और ये थोड़ी हैवी फील हो रही है, और ये पूरा जो है रियर का आपको लुक मिलने वाला है। We'll be right back.